हेलो गाइस, दिस इज भूषण गायकवाड़। अगेन आप सभी का स्वागत है फिर एक बार इस नए वीडियो लेक्चर में। और दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं न्यूमोनिया के बारे में। तो न्यूमोनिया बेसिकली एक इन्फ्लेमेटरी इन्फेक्शन होता है हमारे लंग्स के एल्वियोलाई का। हम सभी को पता है कि हमारा ये जो ऑर्गन है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन, जिसको हम बोलते हैं लंग्स, और लंग्स के अंदर जो फंक्शनल यूनिट है जो कि गैसेस एक्सचेंज कर पा रहे हैं वो है एल्वियोलाई। ठीक है, तो लंग्स के अंदर जो छोटे छोटे अंगूर के दाने जैसे, अंगूर के गुच्छे जैसे स्ट्रक्चर है जिनको हम एल्वियोलाई बोलते हैं, वो अगर इन्फ्लेम्ड हो जाते हैं, अगर उनका इन्फ्लेमेशन होता है, उनमें अगर स्वेलिंग आ जाती है, तो ऐसे कंडीशन को हम बोलते हैं न्यूमोनिया। अब ये न्यूमोनिया मैकेनिकल और बैक्टीरियल दोनों ही कारण से हो सकता है, वायरल भी हो सकता है। ठीक है, तो मैकेनिकल यानी जब हमें कोई बर्न हो जाता है, यानी हमारा ये जो एरिया है वो जल जाता है, तो उसकी वजह से भी एल्वियोलाई में स्वेलिंग आती है। ठीक है, पानी भर जाता है उसकी वजह से भी। ठीक है, हम जब ड्राउन होते हैं, डूबते हैं, पानी भर जाता है एल्वियोलाई में, उसकी वजह से भी इन्फ्लेमेशन आता है। ठीक है, तो ये कुछ मैकेनिकल रीजन हो गए, कोई मैकेनिकल इंजुरी, चोट लग गई अंदर तक, तो उसकी वजह से भी होता है। और इसके अलावा ये बैक्टीरिया की वजह से भी होता है और वायरसेस की वजह से भी होता है। ठीक है, तो आइए बात करते हैं। न्यूमोनिया इज एन इन्फ्लेमेटरी इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेटरी कंडीशन ऑफ लंग्स और एल्वियोलाई ऑफ लंग्स। ठीक है, तो ये इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है जिसमें एल्वियोलाई ऑफ लंग्स जो है वो मेनली इन्फ्लेम्ड होते हैं। इन्फ्लेम्ड होना यानी उसमें सूजन आ जाती है, स्वेलिंग आ जाती है। ठीक है, इट इज कॉज्ड बाय द वैरायटी ऑफ पैथोजन विच में बी वायरसेस लाइक इन्फ्लुएंजा वायरस, एडिनो वायरस, पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस एंड रेस्पिरेटरी सिंसेशियल वायरस। ठीक है, तो इन्फ्लुएंजा वायरसेस के कारण भी होता है। हमने बोला कुछ मैकेनिकल इंजुरीज के कारण भी होता है, जैसे कि बर्निंग के कारण, जलने के कारण, ड्राउनिंग के कारण, डूबने के कारण। ठीक है, इसके अलावा कोई इंजुरीज के कारण, ठीक है, इंटरनल इंजुरीज के कारण, तो इसके वजह से भी हो सकता है। लेकिन इसके अलावा वायरस और बैक्टीरिया से भी हो सकता है। तो वायरसेस कौन कौन से रिस्पॉन्सिबल है, तो इन्फ्लुएंजा वायरस सबसे पहला रिस्पॉन्सिबल है, एडिनो वायरस रिस्पॉन्सिबल है, पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस रिस्पॉन्सिबल है, और रेस्पिरेटरी सिंसेशियल वायरस दैट इज RSV रिस्पॉन्सिबल है। तो ये सारे वायरसेस के नाम आपको याद होने चाहिए, बिकॉज इट कैन बी आस्क्ड इन MHTCET, इट कैन बी आस्क्ड इन NEET। ठीक है, इसके अलावा बैक्टीरिया लाइक स्ट्रेप्टोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया यहाँ पे हम देखते हैं न्यूमोनी, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी। फंगल पैथोजन भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं इसके लिए, जैसे कि यहाँ पे हम देखते हैं न्यूमोसिस्टिस जीरोवेसी। ठीक है, न्यूमोसिस्टिस जीरोवेसी। तो ये जितने भी ऑर्गेनिज्म है, फंजाई के वजह से, बैक्टीरिया के वजह से और वायरस के वजह से यहाँ पे न्यूमोनिया कॉज हो सकता है। सबसे ज्यादा कॉमन न्यूमोनिया जो है वो बैक्टीरिया के वजह से कॉज होता है। द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ न्यूमोनिया इज कॉज बाय द बैक्टीरिया एंड वायरसेस। ठीक है, तो न्यूमोसिस्टिस कैरिनी भी एक यहाँ पे फंजाई है, न्यूमोसिस्टिस कैरिनी। तो ये ऐसे कुछ फंजाई, कुछ वायरसेस है जो कि न्यूमोनिया कॉज करते हैं। न्यूमोनिया कैन ऑल्सो बी कॉज बाय द केमिकल बर्न्स और फिजिकल इंजुरी, जैसे कि मैंने बोला कुछ केमिकल बर्न्स इंजुरीज की वजह से भी न्यूमोनिया कॉज हो सकता है। साइंस और सिम्टम्स, अगर किसी बंदे को न्यूमोनिया हो जाता है तो हमें क्या सिम्टम्स हमारे बॉडी में देखने को मिलेंगे। सबसे पहले कफ प्रोड्यूसेस येलो और ग्रीनिश स्पूटम और फ्लेगम। ठीक है, तो आप जब खांसते हो तो खांसने में बलगम आता है, बलगम। ये जो बलगम होगा ये येल्लोइश होगा, बहुत डार्क येल्लो या ग्रीनिश होगा। ठीक है, तो जब भी आप खांसते हो तो जो बलगम आता है, जो व्हाइटिश म्यूकस आता है, उसको नोट करिएगा कि वो कैसे कलर का है। अगर व्हाइटिश है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर वो बहुत ज़्यादा हेवी येल्लो टाइप का है या ग्रीनिश टाइप का है, देन इट कैन बी द सिम्टम्स ऑफ न्यूमोनिया। ठीक है, और कोई बहुत डरने की बात नहीं होती है, न्यूमोनिया कैन बी ट्रीटेड, बहुत ईजिली उसको ट्रीट किया जा सकता है। कोई ऐसा नहीं कि तुम्हारा जो बलगम है वो बहुत येल्लोइश आ गया या बहुत ग्रीनिश आ गया तो तुम भाई डर जाओ और बहुत ये पैनिक कर जाओ, तो ऐसा कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, न्यूमोनिया कैन बी ट्रीटेड, बहुत इजीली उसको ट्रीट किया जा सकता है। ठीक है, तो कफ हम देखते हैं कि कफ में जो खांसी में जो स्पूटम आता है, स्पूटम यानी जो येलोइश फ्लेगम आता है, फ्लेगम का मतलब होता है बहुत गाढ़ा होता है वो। ठीक है, तो ये फ्लेगम या स्पूटम जो है उसमें येलोइश या ग्रीनिश कलर का म्यूकस हमको देखने को मिलता है। हाई फीवर देखने को मिलता है, हाई फीवर यानी 103 104 तक का फीवर इसमें भी देखने को मिलता है। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, ब्रीथ लेने में, सांस लेने में दिक्कत होती है, डिसेप्निया बोलते हैं इसको। ठीक है, डिसेप्निया। इसके अलावा चेस्ट पेन होता है, चेस्ट पेन ड्यूरिंग डीप ब्रीथ और कफिंग, जब हम खांसते हैं। सबने नोट किया होगा जब हमको बहुत ज़्यादा बीमारी हो जाती है कभी, तो हम जब बहुत ज़्यादा खांसते तो हमारा सीना दर्द देता है। वो सीना दर्द देता है, इसका मतलब तुम्हारे सीने में न्यूमोनिया है, लंग्स में न्यूमोनिया हुआ है। ठीक है, तो बेस्ट यहाँ पे हम बोलते हैं चेस्ट पेन होता है ड्यूरिंग डीप ब्रीदिंग, जब हम लंबी गहरी सांस लेते हैं तब हमारी छाती दर्द करती है, और जब हम खांसते तब हमारी छाती दर्द करती है। ठीक है, इसके अलावा लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख लगना बंद हो जाती है, फैटिक थकान होती है, हेडेक होता है, सर दर्द होता है, वोमिटिंग होती है, जॉइंट पेन होता है, जॉइंट्स में दर्द होता है, इसके अलावा मसल एक होता है,
ऐसा दर्द फील होता है, ऐसा लगता है कि हमारे बॉडी का एक एक मसल दुख रहा है, तो ये बीमारी की कंडीशन में होता है सब कुछ, आपको पता है। ऐसा सोचो कि 2 मिनट के लिए अब आप बीमार हो गए हो, या बीमारी वाली कंडीशन को थोड़ा सा रिकॉग्नाइज करके देखो, कि याद करके देखो कि बीमारी में कैसा फील होता है। बीमारी में आपको ऐसा अंदर से गर्म गर्म फील होता है, यानी बुखार है, फीवर है, ठीक है, खांसी होती है, खांसते हैं, स्पूटम आता है, फ्लेगम आता है, ठीक है, म्यूकस आता है खांसने में। इसके अलावा उसमें येलोइश ग्रीनिश कलर का ये स्पूटम आ सकता है। ब्रीथ, सांस लेने में दिक्कत होती है, ठीक है, चेस्ट पेन होता है कफिंग के टाइम पे, ठीक है। इसके अलावा मसल एक होता है, हेडेक होता है, फैटिक, थकान होती है, कुछ करने की इच्छा नहीं होती है, एपेटाइट, भूख नहीं लगती, ठीक है, वोमिटिंग होती है, जॉइंट पेन होता है, पूरे ऐसे एक एक जोड़ों में दर्द होने लगता है। तो ये सारे सिम्टम्स जो है, ये सिम्टम्स हमको देखने को मिलते हैं इनसाइड न्यूमोनिया, ठीक है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात करते हैं, न्यूमोनिया मोस्टली स्प्रेड बाय डायरेक्ट पर्सन टू पर्सन कॉन्टैक्ट। तो न्यूमोनिया सीधे पर्सन टू पर्सन कॉन्टैक्ट से होता है, यानी डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से होता है। मतलब अगर मेरे को न्यूमोनिया है, मैं तुम्हारे मुंह पे आके खांस दूं, अच्छी, ठीक है, तो मुंह पे आके खांस दूं, तो मेरे जितने भी ये वायरस के ड्रॉपलेट्स है, बैक्टीरिया के ड्रॉपलेट्स है, वो बाहर निकलेंगे, तुम्हारे कांटेक्ट में आएंगे, तुम उसको इनहेल करोगे, तो तुम्हारे बॉडी में भी न्यूमोनिया होने के चांसेस है। या मैं ऐसे खांस के ऐसा अपना छींक के अपना हाथ यहाँ पे उसको ब्लॉक कर रहा हूँ, और फिर तुमसे वही हाथ मिला रहा हूँ, हैंडशेक कर रहा हूँ, या उसको इधर उधर टच कर रहा हूँ, जो प्लेसेस जो लोग टच करते हैं, जैसे एटीएम में जाके एटीएम का पिन दबा रहा हूँ, हैंडल यूज़ कर रहा हूँ दरवाजे का, बस का हैंडल यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसे में ये सारी जो सार्वजनिक चीज़ें होती है, ठीक है, सोशल थिंग्स जो बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं, वैसे अगर जगह पे मैं ये सारे हाथ टच कर रहा हूँ अपने गंदे वायरस भरे बैक्टीरिया भरे हाथ, ठीक है, तो ऐसे में बहुत इजीली वो बैक्टीरिया वायरस जो है फैल सकता है। वैसे ही कोरोना वायरस भी फैल रहा है आजकल, ठीक है, सेम टू सेम, तो ये डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम इसी के बारे में थोड़ा और डिटेल में बात करते हैं, न्यूमोनिया में और क्या क्या चीजें हमको देखने को मिलती है। तो इट कैन ऑल्सो बी स्प्रेड वाया ड्रॉपलेट्स रिलीजिंग बाय द इन्फेक्टेड पर्सन और इवन यूजिंग शेयर्ड क्लॉथ एंड यूटेंसिल्स। तो देखो, ड्रॉपलेट से ये स्प्रेड हो सकता है बोला है। ड्रॉपलेट्स का मतलब क्या है, कि हम छींकेंगे तो ये जो ड्रॉपलेट्स है वो पूरे एनवायरमेंट में घूमेंगे, और ड्रॉपलेट्स के साथ माइक्रो ऑर्गेनिज्म घूमेंगे, जिसकी वजह से न्यूमोनिया होता है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट, कि यहाँ पे जो है इन्फेक्टेड पर्सन और इवन बाय यूजिंग शेयर्ड क्लॉथ्स। तो शेयर्ड क्लॉथ्स यानी एक दूसरे के कपड़े पहनने से भी ये होता है, ठीक है। इसके अलावा यूटेंसिल्स, जो हम सेम बर्तन यूज़ करते हैं, एक थाली में खाना खाते हैं, अगर कोई इन्फेक्टेड नॉन इन्फेक्टेड पर्सन एक थाली में खाना खा रहा है, तो उससे भी ये ट्रांसमिट हो सकता है, सिंपल सी बात है। डायग्नोसिस कैसे होगा निमोनिया का, कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट डिपेंड्स अपॉन द पैथोजन लीडिंग टू द डिजीज। फॉर बैक्टेरियल न्यूमोनिया एंटीबायोटिक्स लाइक बेंजिल पेनिसिलिन एम्पिसिलिन एंड क्लोरामफेनिकॉल आर इफेक्टिव। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो डिजीज होता है निमोनिया, ये अगर बैक्टीरिया से होता है, तो बैक्टीरिया के लिए हम कुछ एंटीबायोटिक्स यूज कर सकते हैं, जैसे कि बेंजिल पेनिसिलिन, ठीक है, इसके अलावा एम्पिसिलिन, इसके अलावा क्लोरामफेनिकॉल, ये जो है ये सारे इफेक्टिव होते हैं। कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट डिपेंड अपॉन द पैथोजन लीडिंग टू द डिजीज, ठीक है। तो इसका ट्रीटमेंट पैथोजन पे डिपेंड करता है, कि कौन सा पैथोजन है उस पे डिपेंड करता है इसका ट्रीटमेंट। अगर पैथोजन बैक्टीरिया है, तो बैक्टीरिया के लिए हम ये सारे एंटीबायोटिक यूज कर सकते हैं, दैट इज बेंजिल पेनिसिलिन एम्पिसिलिन क्लोरामफेनिकॉल आर इफेक्टिव, ठीक है। इसके अलावा वायरस पे कोई ऐसा पर्टिकुलर ट्रीटमेंट नहीं है भाई। अब तुम बोलोगे वायरस से होता है तो कैसे ट्रीट करेंगे, तो वायरस के लिए कोई ऐसा पर्टिकुलर ट्रीटमेंट नहीं है, देयर इज नो पर्टिकुलर ट्रीटमेंट फॉर वायरसेस, ठीक है। और ये सारे जो है इसके कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है, एडिनो वायरस हो गया, ये न्यूमोनियोफिला हो गया, लेजिनेला न्यूमोनियोफिला, ये भी बैक्टीरिया है। इसके अलावा स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया हो गया, एस्परागिलस, ठीक है, ये अल्गी होगी, अल्गी बोलते फंजाई होगी जो हमने पढ़ी थी। तो ये सारे ऑर्गेनिज्म जो है ये निमोनिया कॉज करते हैं। अब अगर प्रिवेंशन करना है, तो प्रिवेंशन कैसे करेंगे, तो जो पर्सन इन्फेक्टेड है उसने सबसे पहले तो मास्क का यूज़ करना चाहिए, जो आजकल बहुत लोग कर रहे हैं। तो ऐसे में अगर वो खांसेगा छींकेगा तो उसको जो है वो ड्रॉपलेट्स जो है मास्क के बाहर नहीं जाएंगे, मास्क में ही वो जो है वो फिल्टर हो जाएंगे, ठीक है, मतलब वहीं पर वो स्टिक हो जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा वैक्सीनेशन ले सकते हैं हम, वैक्सीनेशन इज इंपॉर्टेंट प्रिवेंशन इन द बोथ चिल्ड्रन एंड अडल्ट्स। तो निमोनिया के लिए जो वैक्सीनेशन आते हैं, बचपन में ही वैक्सीन्स लगाए जाते हैं बच्चों को निमोनिया के लिए। इसके अलावा वैक्सीन अगेंस्ट हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी, देखो ये हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी बैक्टीरिया के लिए वैक्सीन अवेलेबल है। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया के लिए बैक्टीरिया अवेलेबल वैक्सीन अवेलेबल है। तो हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी इज अ वायरस, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी इज अ वायरस। तो वायरस के लिए यहाँ पे वैक्सीन अवेलेबल है, दूसरी बैक्टीरिया के लिए वैक्सीन अवेलेबल है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया के लिए इन फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ। देखो पहले ही बचपन का जब एक साल होता है, पहले साल के अंदर अंदर ही ये वैक्सीन बच्चे को दी जाती है। हेल्प ग्रेटली टू रिड्यूस द चांसेस ऑफ पॉजिटिव न्यूमोनिया, तो ये ज़्यादातर चांसेस इसके रिड्यूस कर देता है न्यूमोनिया के। तो ऐसे में बच्चे जो है वो अब इम्यून हो जाते हैं, उसको आगे जाके निमोनिया होने के चांसेस नहीं होते, ठीक है। अब ये तो हो गया, हमने सारे चीज़ें देख ली है न्यूमोनिया के बारे में भी।
तो यहाँ पे हमारा न्यूमोनिया का भी पार्ट जो है वो खत्म हो चुका है। आई होप ये वीडियो लेक्चर भी आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। वीडियो को लाइक करते रहिए ताकि हमारी वीडियोज ऐसे ही दोस्तों को मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच।